नमस्कार सत श्री अकाल एफ एम आई न्यूज़ वेख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत है। अज दिन शनिवार 9 अप्रैल है। असी कैनेडा चैनल वाई और यूके संगत टीवी वेख रहे दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। मैं दविंदर सिंह बुलेटिन की शुरुआत करांगे खास खबरों के नाल। दिल्ली च मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सुटिया गया जुत्ता। आम आदमी सेना के वर्कर ने सुटिया है जुत्ता। 15 अप्रैल तो लागू होने वाले ऑड ईवन फार्मूले से कर रहे सन प्रैस कॉन्फ्रेंस। आखिरी बार लड़ांगा 2017 दीआं विधानसभा चोणां। लुधियाणा च कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ते भी ली चुटकी। फरीदकोट के पिंड मोरांवाली के किसान बलदेव सिंह नूं भी करजे के दैंत ने निगलिया। 9 लाख के करजई किसान ने नहर च छाल मार के दित्ती जान। अमृतसर च कुत्ते दे भौंकण ते नौजवानां ने कुत्ते नूं मारियां गोलियां। शहर के कटरा सफेद इलाके की घटना। पुलिस ने 4 नौजवानों खिलाफ़ किया मामला दर्ज। घटना ते शहर वासी हैरान। लुधियाणा पहुंचे पंजाब कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चोणां 2017 अपनी आखिरी चोण दस्सिया। कॉफी विद कैप्टन प्रोग्राम च कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब बदल गया अते नौजवान हुण अगे आ रहे हैं। कैप्टन ने मुख्यमंत्री बादल ते चुटकी लैंदिया कहा कि प्रकाश सिंह बादल कुर्सी नाल चिपके रहना चाहते हैं पर वध तों वध नौजवानों ही मौका देना चाहते हैं। इस मौके उन्होंने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देंदिया कहा कि बादल परिवार नाल उन्हां दी कोई रिश्तेदारी नहीं है। इस तो इलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने SYL किसान खुदकुशियां वर्गे मुद्दों पर विद्यार्थियों के सवालों के जवाब भी दिए। मैं हूँ 47 साल हो गए सियासत में। ये मैं हूँ अपनी लास्ट इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं कहता मैं बादल बनना नहीं होता, लास्ट कह रहा पिछली 6 इलेक्शन तो मैं लास्ट कह रहा थोड़ा दिल तो मैं कदम गलत गल नहीं करता। इसलिए क्योंकि पंजाब हूँ बहुत बदल गया। हूँ नौजवान इन्ने आ गए ने। अगर असी तुसी सारे ने सानू भेजा सरकार च फिर असी उत्थे 5 साल ला देंगे। वो मेरी 52 साल की सर्विस हो जानी है इस सियासत में। नाउ इज़ द टाइम टू रिटायर। एवरी वन रिटायर एंड थोनू एक मौका देिए नौजवानों जी पंजाब की नवी पीढ़ी है जो सारे सूबे में चला सकती है। दैट इज़ वाई मैं कहना कि मैं चाहना है कि इस असैम्बली दे विच बहुत नौजवानों असी लैके आईए ताकि उन्होंने तजर्बा होए और वो सीख और वो भी 5-6 साल तैयार हो ताकि अपनी जिम्मेवारी फिर संभाल पंजाब की। पंजाब किसान खुदकुशियां का सिलसिला लगातार जारी है। हुण फरीदकोट के पिंड मोरांवाली च 42 साल किसान बलदेव सिंह ने खुदकुशी की है। जानकारी मुताबिक किसान बलदेव सिंह सिर करीब 9 लाख रुपए का कर्जा सी जिस कारण मृतक किसान लगातार परेशान रहिंदा सी। अखीर उसने नहर च छाल मार के अपनी जान दे दित्ती। परिवारक मैंबरां मुताबक घर च गायब होने कारण उन्होंने बलदेव सिंह की भाल शुरू की सी जिस दौरान मृतक की साइकिल और चप्पल नहर के किनारे मिली जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। उधर पुलिस अधिकारियों मुताबक की जांच मगरों उन्होंने मृतक की लाश बरामद कर ली है और अगली कार्रवाई की जा रही है। भरा जी मेरा कर्जे तो परेशान रहा जी, 65% बाद सिर हो गया इस गल की परेशानी बात सी। ਉਹਦਾ ਜੀ 13-14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਮਿੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਘਰੇ ਜੀ ਹੁਣ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। 2016 ਨੂੰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਘਰੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਛਾਲ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਅੱਜ ਮਚਾਕੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੀ ਪਈਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਚੱਪਲਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਈ ਦੇ ਆਗੂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਪੱਟ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
जिसनू सैक्टर 16 के हस्पताल भर्ती करवाया गया जिथे पीड़ित की हालत खतरे तो बाहर दसी गई है। उधर मौके पर पहुंची पुलिस मुताबक उन्होंने मामला दर्ज कर लिया। जांच अधिकारियों ने दसा कि यह घटना मामूली तकरार तो वधी है। पुलिस ने दसा कि उन्होंने कुछ नौजवानों को पूछगिछ लिए बुलाया जिस तो बाद मुलजमान को छेती ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में कैंपस के अंदर दो स्टूडेंट ग्रुप्स के बीच में झड़प हुई थी जिसमें कि एक स्टूडेंट को बुलेट इंजरी लगी है जिसका नाम मनप्रीत ओलक है। वहाँ पे तकरीबन 7 या 8 राउंड फायर हुए हैं। हमें वहाँ से एक लाइव कार्ट्रिज बरामद हुआ है और प्रिलिमिनरी स्टेज पे अभी यही लगता है कि जो उनकी पहले से थोड़ी सी बहस चल रही थी, आर्ग्यूमेंट चल रही थी दिन में, बाद में वो एस्केलेट हो गई जो इशू था। तो हमने घटना का संज्ञान लेते हुए FIR रजिस्टर कर रहे हैं अंडर सेक्शन 307 IPC, 34 IPC एंड आर्म्स एक्ट। बरनाला पहुंचे आम आदमी पार्टी के कानूनी सैल पंजाब कन्वीनर हिम्मत सिंह शेरगिल ने बरनाला दी बार एसोसिएशन वकीलों नाल मुलाकात की। इस मौके उन्होंने चोन मैनीफेस्टो लिए वकीलों तो सुझाव भी मंगे और वकीलों के सवालों के जवाब भी दिए। मीटिंग दौरान एक वकील ने आप आगू प्रोफेसर बलजिंदर कौर के वकीलों विरुद्ध दिते बयान का मुद्दा भी उठाया। वकीलों मुताबक जिस उन्होंने कहा कि वकील लुट्टन वाला महकमा ने। उधर हिम्मत सिंह शेरगिल ने इस बयान झूठा और बेबुनियाद करार दिता। इस मौके आप आगू शेरगिल ने जिथे वकीलों तो चोन मनोरथ पत्र लिए सुझाव मंगे उत्थे कैप्टन अमरिंदर सिंह भी तिखे हमले किए। मैं इन्हों सिंपल सवाल पूछा भी तुम अज साडे विच आए हो साडे नाल गल करना बहुत वधिया साडा बहुत वैलकम है पर जिहड़ी साडी आगू ने उत्थे बोलिया उहदा तुसीं की नोटिस लओगे जां साडी पार्टी की करूँ। पर शेरगिल साहब ने उहदा कोई सानू उत्तर नहीं दिता, कोई सही जवाब नहीं दिता। उत्तों दी साडे नाल लड़ाई करन लग गए, डिस्ट्रैक्ट करती सारी गल, नारे लाउन लग गए, सवालों तो भज गए सारिया तो। असीं तां इन्नी ही गल उन्होंने तो पुछी सी। देखो जी इस तरह की वो अपना करते हैं वह तो मेरे मैनू पता लगा बहुत पैसे खर्च के वो सारे इवेंट्स होंगे आना अपना कारपोरेट टाइप स्टाइल हैगा। असं तो देखो आम लोगों चो सुझाव लैन आए हैं वो मैनू वो तो बहुत पैसे खर्च के वाले इवेंट्स होंगे। असं तो बस पानी पी के इतने लोगों तक पहुँच गए, स्टूडेंट्स को असं जाने तो कॉफी चाह तो मतलब साडा गरीब पार्टी हाँ क्योंकि साढ़े को पैसे भी नहीं कि असं इलैक्शन लड़ सके। लोगों ने यह लोगों की लड़ाई है, लोगों ने आप लड़नी है। तो हूँ आम आदमी इतने अपने हाथों के मशाला लैके खड़ गया तो 2017 इतने झाड़ू इनकलाब आने लगा। अमृतसर के माहल बाईपास से बीती रात हुई बस एक्सीडेंट च 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे च करीब 8 लोग होर जख्मी भी हुए ने जिस तो बाद जख्मियों सिविल अस्पताल भर्ती करवाया गया जिथे इलाज तो बाद जख्मियों अस्पताल तो छुट्टी दे दी गई। जानकारी मुताबक हादसा उस समय होया जदों माहल चौंक नेड़े बस बेकाबू होकर डिवाइडर नाल जा टकराई और पलट गई। घटना तो तुरंत बाद ड्राइवर फरार दसया जा रहा है। उधर डॉक्टर मुताबक उन्हां कोल दर्जन के करीब जख्मी लोग आए सन जिन्हां चों इलाज दौरान 2 की मौत हो गई। बस के एक्सीडेंट होने कारण जिन्होंने अस्पताल वेखे लेना पाया उन्होंने लिया गया एक मरीज जिसका नाम कि बलवंत राय है उसकी पहले ही डैथ हो चुकी थी तो ब्रॉड डेड हालत में इस अस्पताल वेखे लिया गया। बाकी लेंदे गए मरीजों में 7 मरीजों सर्जरी वार्ड तो 1 मरीज़ ऑर्थोपेडिक वार्ड में दाखिल करके उन्होंने तुरंत जी है डॉक्टरी सहायता उन्होंने दी गई तो बनता इलाज शुरू कर दिया। बठिंडा च तलवंडी साबो तख्त श्री दमदमा साहब विखे 13 अप्रैल तो 15 अप्रैल तक होने वाले विसाखी मेले दियां प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दित्तियां ने। दस दईए विसाखी के त्यौहार से तख्त श्री दमदमा साहब विखे लखां की गिनती च संगत नतमस्तक हुंदी है। उत्थे लगभग सारिया ही राजनीतिक पार्टियां अपनियां सियासी स्टेजां भी सजाउंदियां ने। इस बार विसाखी मेले ते सियासी पारा ज़्यादा गर्म हो सकता है क्योंकि पंजाब विधानसभा चोणां च 1 साल तो भी घट का समा रह गया है। इसलिए सारिया ही सियासी पार्टियां ने तलवंडी साबो च अपने अपने पंडाल सजाने शुरू कर दिए ने अते सारिया ही पार्टियां वड्डे इकट्ठ दे दावे कर रही ने। देखो विसाखी का जिहड़ा पवित्र दिहाड़ा है उस दिन लई तख्त श्री दमदमा साहब ते नतमस्तक होने लई लखां की तादाद दे विच लोक आउंदे ने और जिस तरह माहौल बनया कि सियासी कानफ्रेंसा भी उस दिन इत्थे हुंदियां वख-वख पार्टियां ने इत्थे कानफ्रेंसा करनियां और असी भी हर साल की तरह कानफ्रेंस जी है कर जा रहे हैं।
पर इस बारी तुसी देख रहे हो कि पंडाल किन्ना वड्डा है और किन्नी वड्डी जगह दे विच असी कॉन्फ्रेंस करन जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन ईयर है। लगभग सारे ही जिले के महकमें की इतने ड्यूटी लगी हुई है। बाहरले जिलों तो भी असी फायर ब्रिगेड होर जो भी है छिड़का लई मशीन बाहरले जिलों की मदद लै रहे हैं ताकि ये मेला सफल हो सके। सारा मेला 6 सैक्टरों में वंडिया गया और वो उत्ते मेला सैक्टर ऑफिसर लाए जा चुके हैं जिथे कि सहायता केंद्र भी कायम किए जाएंगे। पंजाब सरकार वालों 1 अप्रैल तो कणक की फसल लई सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है पर बरनाला की अनाज मंडी गंदगी अते अवारा पशुओं ने किए प्रबंधन जग जाहर करके रख दिता है। उधर मंडी बोर्ड के मार्केट कमेटी वालों अपने पूरे प्रबंधा का दावा किया जा रहा है पर असल तस्वीर कुछ होर है। वेखो इस रिपोर्ट च। यह मंजर बरनाला की अनाज मंडी के ने जिन्होंने मंडी बोर्ड अते मार्केट कमेटी वालों मंडी अंदर किए गए प्रबंधा की पोल खोल के रख दी है। प्रशासन की अणगहली करके मंडी अंदर हाले तक सफाई के प्रबंध भी मुकम्मल नहीं हुए अते थां थां तो अनाज मंडी टुट चुकी है। इन्ना ही नहीं अनाज मंडी अंदर घूम रहे वड्डी गिनती च आवारा पशु अनाज मंडी की थां ते पशु मंडी का भुलेखा लोगों पा रहे ने जो कि प्रशासन वालों अगाऊ प्रबंधा के दावियां नूं शीशा दिखा रहे ने। एक तो सानूं डंगरां दा बहुत मुश्किल है जी, डंगर रात नूं बहुत औखा करदे ने जी। बाकी आ जिहड़े सैंसियां दे जवाक ने झोलियां भर के लै जांदे ने जी। बाकी बोली का भी दिक्कती है जी, माल सुक्का जदों पूरा फिर लगने चाहीदे ने। इन्हां जिहां गल्लां दी सानूं खासी प्रॉब्लम आ। अड़बी विच टुटे हैगे जी, हाँ जिवें हुण सैट टुटे हुंदे ने आ तां हुण तां इत्थों लोड लगदा। फिर जिवें हुण अज्ज तड़के बदल हो गया सी, बारिश आ जांदे, जिवें आ टोए ने इह पाणी नाल भर जांदे ने, कणक नूं तेर के लै जांदे ने। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੁੱਲ 95 ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 80 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 95 ਸੈਂਟਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੱਚੇ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 1/4/16 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਛਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈਗਾ, 5 ਲੱਖ MT ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ, ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਔਲ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰੇਟ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮੂਥ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਰ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗਾ ਪੋਲਸ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਸ ਲਾਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਫ੍ਰੀ ਮੀਡੀਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਭੌਂਕਣ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਟਰਾ ਸਫੇਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਚੋਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਕੀਮਾਂ ਦਾ, ਰਾਣੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੋਬਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਲਟੀ ਐਕਟ ਐਨੀਮਲ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀਮਲਸ ਅਤੇ IPC ਅਤੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜੇ, ਅੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ।
इस मौके उन्होंने स्कूल प्रशासन का पुतला फूकन के नारेबाजी भी की। बच्चों के मापियां ने इल्जाम लाया कि सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानियां खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लै रही, जिस कारण उन्होंने आर्थिक तंगियों चो गुजरना पै रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीसा लैके कोई ठोस नीति बनाए। जिहड़ा स्कूलों की शरेआम प्राइवेट स्कूलों की निजी स्कूलों की धक्केशाही चल रही है, किताबों के विच चोर बाजारी, जिहड़ी एक एनुअल फीस जिहड़ी बच्चे की एडमिशन वेले साडे को 25-25, 30-30 हज़ार रुपया लिता जांदा, उहनू बाद दे विच हर साल 11,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपए तक एनुअल फीस या बिल्डिंग फंड के रूप में लिता जांदा। असीं अज उहदे खिलाफ यह परिवारों ने आवाज चुकी, असीं उहनां दा साथ देण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हां। कि कल कुछ पेरेंट्स साहबान असी पता चलिया कि फीसा के मुताबिक नाराज़ ने ते अपना रोस प्रगट करना चाहते हैं। असी उन्होंने बुलाया सी, उन्होंने गलबात की है कि तुहाडियां मंगां असी सुनदे हां, उन्होंने थोड़ा विचार करन दा सानू टाइम दिओ, 8-10 दिन का टाइम लैके ते असी तुहानू विचार करके इन्हों दुबारा इहदा आंसर करांगे और एक कमेटी बनावांगे एक जिहदे विच असी इन्हां दीआं मंगां दा जो इन्हां ने सानू मंग दित्ती है, जो इन्हां दीआं मंगां जायज़ होणगीआं उन्हां ते असी कुछ ना कुछ फैसला लवांगे। पर यह सानू कहिंदे ने कि शाम नू ही फैसला दिओ, इहो जिहे फैसले शाम तक या कुछ टाइम पा के नहीं हो जांदे। असी इन्हां नू कहा 10 दिन का टाइम दिओ, 10 दिनों बाद असी एक कमेटी जिहदे विच इन्हां नू भी इनवॉल्व करांगे, पर इन्हां ने साडी कोई गल सुनी नहीं ते अपना प्रोटेस्ट जिहड़ा शुरू कर दिता। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से जुत्ता सुटिया गया है। जो केजरीवाल से जुत्ता सुटिया गया वह उस समय दिल्ली ऑडिवन फार्मूले से प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे सन। इस दौरान जुत्ता बिल्कुल मुख्यमंत्री केजरीवाल की कुर्सी तक जा पहुंचा, हालांकि कुछ लोगों ने अगे होकर जुत्ता केजरीवाल तक जाने रोक लिया। हमला करने वाला नौजवान आम आदमी सेना नाल संबंधित दसया जा रहा है। दस दईए आम आदमी सेना आप तो नाराज हुई कुछ लोगों वालों बनाई हुई एक संस्था है। केजरीवाल से हमला करने वाले व्यक्ति ने पहला एक सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री केजरीवाल के जवाब देने तो पहला ही उक्त व्यक्ति ने उन्होंने वाल जुत्ता सुट दिता। सवाल करने समय यह शख्स किसी स्टिंग ऑपरेशन से सीडी का हवाला दे रहा है। हमला करने तो बाद इसने खुद को आम आदमी सेना का वर्कर दसिया। उधर आम आदमी पार्टी ने इस हमले में एक सोची समझी साजिश करा दिता है। फिलहाल इस नौजवान तो पूछगिछ की जा रही है। और अगर कोई वायलेशन करता है तो 2,000 रुपए जुर्माना होगा। जो लोग एग्जेम्प्ट हैं उनकी लिस्ट इस प्रकार है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यूनियन मिनिस्टर्स, लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चेयरपर्सन यूपीएससी, व्हीकल्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स एंड व्हीकल ऑफ सीएजी। हेलो, ओए पनामा पेपर्स मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। इस मामले में पीएम मोदी ने अधिकारियों को छेती तो छेती जांच खत्म करने के हुक्म दिए ने। प्रधानमंत्री ने 15 दिनों में इस मामले पर रिपोर्ट मंगी है। दस दईए पनामा पेपर्स लीक के तकरीबन 500 भारतीयों के नाम शामिल दसे जा रहे हैं। इस तो अलावा दुनिया के कई बड़े दिग्गजों के नाम इस घोटाले शामिल दसे गए हैं, जिन्हां बरतानिया के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के नाम भी शामिल दसे गए हैं। यह खुलासा पनामा की एक कंपनी के करोड़ों दस्तावेज लीक होने तो बाद होया सी। हुण इस मामले ते सब दी नज़र बनी हुई है। MNS ने मुखी राज ठाकरे ने असाउद्दीन ओवैसी ते वड्डा हमला किया है। राज ठाकरे ने AIMIM मुखी नू भारत माता की जय ना बोलन ते घेरिया है। राज ठाकरे ने कहा कि जेकर असाउद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र आए तो उन्हां दी गर्दन ते चाकू रख्या जाएगा। दस दईए कुछ दिन पहला एक रैली में संबोधन करते हुए असाउद्दीन ओवैसी ने कहा कि भावें उन्होंने गर्दन से चाकू रख दौ, वह भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ओवैसी के इस बयान से भड़के राज ठाकरे ने उन्होंने गर्दन से चाकू रखने की यह धमकी दी है। इस दे नाल ही राज ठाकरे ने रैली दौरान पीएम मोदी से भी निशाना साधिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने उम्मीद और वादे सब तोड़ दिए ने।
नेपाल के काठमांडू में नकली भारतीय नोटों की तस्करी लई 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हां नकली भारतीय नोटों को पाकिस्तान तो नेपाल होंदे हुए भारत भेजा जा रहा है। नेपाल की पुलिस ने काठमांडू के वख-वख जगह पर छापेमारी करके 1 करोड़ के 500 के करीब नकली नोट बरामद किए ने। गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में 5 नेपाली ने 1 पाकिस्तानी मूल का नागरिक है। पुलिस मुताबक उन्होंने मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। H-1B वीज़ा लई अमेरिकी सरकार नूं 2.5 लाख अर्जियां मिलियां ने, जिस विच सब तो वध दरखास्तां भारतीय कंपनियां ने ही भेजियां ने। अमेरिका ने आख्या कि H-1B वीज़ा आम वर्ग चों ही दित्ते जाणगे। उन्हां दस्सिया कि इन्हां विचों 20,000 वीजे उन्हां विद्यार्थियों नूं मिलणगे जिन्हां ने अमेरिका तो उच्च सिख्या हासिल की है। दस दिए वीजे के हकदारां लई कंप्यूटर राहीं ड्रा कढ़िया जाएगा। H-1B वीज़े भारतीय नौजवानों विच काफ़ी प्रचलित ने, क्योंकि वीजे की इस श्रेणी राहीं उन्हां नूं अमेरिका विच कम करन ते रहण की आग्या मिल जाती है। पिछले दिन वीजे की इस श्रेणी नूं लैके काफ़ी विवाद भी होया सी, क्योंकि राष्ट्रपति अहुदे की चोण विच अगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने इस नूं बंद करन बारे कहा सी। संयुक्त राष्ट्र के जनरल सकत्तर बान की मून ने ISIS बारे एक अहम बयान दिता है। बान की मून का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के होर कट्टर ग्रुप दुनिया भर च कैंसर वांग फैल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीरिया के संघर्ष के चलते अतवाद अपनी जड़ां दुनिया भर में फैला रहा है। बान की मून मुताबक दुनिया भर में शांति स्थापना करने वास्ते सारे मुल्कों इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि UNO अजिहा प्लेटफॉर्म है जिथे अतवाद खिलाफ सांझा मंच बन सकता है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बलास्टिक मिसाइल रॉकेट इंजन के टैस्ट का दावा किया है। उधर रिपोर्टा मुताबिक उत्तर कोरिया ने अमेरिका तक न्यूक्लीयर हमला करने की काबिलियत हासिल कर ली है। रिपोर्टा च दसाया गया कि विश्व की महाशक्ति कहाने वाला अमेरिका उत्तर कोरिया की मार हेठ आ गया है। इस नाल उत्तर कोरिया ते अमेरिका च तनाव फिर बढ़ सकता है। उत्तर कोरिया के इस परीक्षण तो बाद अमेरिका ने कहा कि उन्होंने इस नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। दस दिए कि उत्तर कोरिया करीब इस साल 4 बार न्यूक्लीयर मिसाइल टैसट कर चुका है। पेरू के इंडी पहाड़ी इलाके में शुक्रवार को एक बस नदी में डिग गई। बस के डिगण कारण 23 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 32 होर जख्मी हो गए। पुलिस अधिकारियों मुताबिक तकरीबन पूरी बस नदी में डुब गई, जिस कारण बचाव अधिकारियों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जानकारी मुताबिक बस में सवार कुछ लोग राष्ट्रपति अहुदे की चोणों वास्ते वोट पाने जा रहे सन। उधर जख्मियों को इलाज लिए हस्पताल भर्ती करवाया गया, जिथे कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन च इन्ना ही। आग्या दिओ, धन्यवाद।